everyone, welcome or welcome back to my channel Deepi Beauty. In today's video, I am really excited about the product that I am going to share with you. And as you might know by the title, this is the review video on Flipkart hair extensions. So I was planning to buy hair extension long time ago, but मुझे time नहीं मिल पा रहा था और hair extension बहुत ज़्यादा expensive थी उस time और मेरी hair की length काफ़ी कम थी. अभी तो मेरे hair की length काफ़ी हो चुकी है, but I was planning to buy है क्योंकि कुछ function वगैरह कुछ थे. but उस time AliExpress और Club Factory वगैरह पे भी hair extensions available थी, but मैंने कभी Amazon और Flipkart पे check नहीं करी थी क्योंकि मैं sure नहीं थी about the quality, the money I will pay. पता नहीं उसके return में उतनी अच्छी quality मिलेगी या नहीं मिलेगी. so this video is going to be really helpful for you if you are planning to buy hair extensions like me. so start करते हैं. and before starting the video, please make sure to subscribe to my channel and hit the notification button right next to it so you will get notified every time I post any video. and without any further ado, let's get start this video. so I got the hair extensions like this and it says easy clip-on extensions. and ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई थी. मुझे कोई बॉक्स रिसीव नहीं होता. हाँ, बस थोड़ा फोल्ड करके आई थी तो आई डिडेंट गॉट द आइडिया कि इसकी लेंथ कितनी होगी. आई गेस ये 24 इंचेस की है, मुझे सही से नहीं पता, बट मुझे लगता है ये 24 इंचेस ही होगी क्योंकि मैंने ऑर्डर करते टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे रीड नहीं किया था. आई जस्ट सॉ द पिक्चर्स ऑन वेबसाइट और मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि कौन से स्टाइल में. आई गॉट द स्टाइलिंग, मतलब ये थोड़ा हाईलाइट हेयर एक्सटेंशंस हैं. प्लेन भी मिलती है, ओम्ब्रे में भी मिलती है, बट मुझे थोड़ा नॉर्मल से, मतलब ओम्ब्रे थोड़ा फेक लग रहा था और ब्लैक थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था. सो मैंने ऑर्डर किया है जो वो हाईलाइटेड वाले हेयर एक्सटेंशन क्या है. सो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको. एंड दिस इज़ हाउ द हेयर एक्सटेंशन गोइंग टू लुक. इसका थोड़ा हाईलाइटेड आप देख सकते हैं कैमरे पे, बहुत अच्छे से हाईलाइट है. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है. बिल्कुल जैसे नेचुरल हेयर के में हाईलाइट होते हैं वैसा ही इसमें क्वांटिटी में हाईलाइट दिया गया है. और इसका जो हेयर का टेक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा ठीक है एज़ कम्पेयर टू योर नेचुरल हेयर. और थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी है तो उसे थोड़ा सा सिंथेटिक वगैरह जो है ये थोड़े ज़्यादा लगते हैं और थोड़े कम ही नेचुरल लगते हैं, बिल्कुल नेचुरल नहीं लगेंगे. अगर आप अपने हेयर को स्ट्रेट कराएंगे, स्मूदिंग करा के वेयर करेंगे इसे, तो ये ज़्यादा अच्छे से मैच होगा आपके नेचुरल हेयर के साथ. अदर देन दैट, दिस इज़ लाइक रियली गुड क्वालिटी वट एवर यू आर गोइंग टू पे. सो उसके रिटर्न में बहुत ही अच्छी आपको क्वालिटी मिल रही है. आई गेस आई पेड लाइक 190 और 198 समथिंग, बट 200 के अंडर ही मुझे ये रिसीव हुआ था और इसकी शिपिंग चार्जेस के साथ. सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं. एंड आफ्टर रिमूविंग द हेयर एक्सटेंशन फ्रॉम दिस पेपर, यू विल गेट ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑन दिस पेपर कि आपको हेयर एक्सटेंशन कैसे यूज़ करना है, क्लिप ऑन कैसे करना है. एंड इसमें क्लियरली मैंशन है कि आप इसे कर्ल कर सकते हैं. आई डोंट हैव कर्लर बट मैं स्ट्रेटनर से ट्राई करूँगी. और इसमें मेंशन है कि जो कर्लिंग प्लेट्स होती हैं या स्ट्रेटिंग प्लेट हैं जो मेरे पास, वो ज़्यादा हीटेड ना हो, अदरवाइज़ यू में रूम द फाइबर बिकॉज दीज आर सिंथेटिक फाइबर हेयर एक्सटेंशन, नेचुरल हेयर नहीं है, तो आप इन्हें ईजिली डैमेज कर सकते हैं. सो स्टार्ट. एंड दिस इज़ हाउ द क्लिप गोइंग टू लुक. और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की टिक टैक क्लिप है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब क्वालिटी की है. एंड थोड़ा क्लिप में नीचे की साइड में कॉम की तरह पैटर्न है, सो इट विल गोइंग टू ग्रिप योर हेयर परफेक्टली. और इसमें आपको 5 क्लिप मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ है तो अच्छी तरह से ग्रिप कर लेगी आपके बालों को. सो इसे ट्राई करते हैं. मैंने अपने हेयर को दो पार्टीशन कर लिया है. यहाँ की जो मिड एरिया है यहाँ पे मुझे हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर दिए. इससे पहले मैंने कभी भी हेयर एक्सटेंशन अप्लाई नहीं करे हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम. और मैं किसी की हेल्प नहीं ले रही, मिरर भी नहीं देख ली. सो देखते हैं कैसे लगते हैं. ये
हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए आपको अपने बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड करना है एंड उसके बाद जो भी आपका हेयरलाइन मिड एरिया में आ रही है उसमें आपने एक्सटेंशंस की क्लिप को टग इन कर देना है। बहुत ही ज़्यादा ईजिली टग इन हो जाती है, बिल्कुल टिक टैक क्लिप्स की तरह। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की है आप अपने बालों को टीज कर सकते हैं। ये मेथड बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर लॉन्ग टर्म में आपको एक्सटेंशन को अप्लाई करके रखना है। बिकॉज इन एक्सटेंशन में 5 क्लिप्स हैं तो ये आपके हेड को अच्छी तरह से कवर कर लेगी एंड पूरी एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद आपको क्राउन एरिया के जो बाल है पार्टीशन करे हुए उनको ओपन कर लेना है तो आपकी क्लिप्स जो हैं वो ईजिली हाइड हो जाएंगी। एंड दिस इज़ हाउ योर हेयर एक्सटेंशंस आर गोइंग टू लुक। बहुत अच्छे से मेरे बालों को मैच किया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल हेयर की आपको ये लुक प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने बालों को टीज कर रही हूँ बट क्लिप्स आर रियली स्ट्रांग और मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इन एक्सटेंशन के साथ, बहुत ही अच्छी है। बस थोड़ा सा आपको आपके हेयर पे जहाँ पे आपने अप्लाई करा हुआ है एक्सटेंशन क्लिप थोड़ी सी बॉदर करती हैं बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट अदर देन दैट मुझे क्लिप्स ऑन हेयर एक्सटेंशन बहुत अच्छी लगी। एंड आप इन्हें इजीली रिमूव कर सकते हैं, आपको पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है रिमूव करने के साथ। आप अपने बालों में बैक ऑफ हेयर जहाँ पे भी आपको फील हुए टिक टैक क्लिप वहाँ से आप उसे ओपन करके आप इसे स्लाइड डाउन करेंगे तो ये इजीली निकल जाती हैं। एंड अब मैं करने जा रही हूँ उसका फाइनल टेस्ट विच इज़ हीट टेस्ट, सो ये हीट को सर्वाइव कर पाती है कि नहीं। सो आई एम गोइंग टू टेक सेक्शन फ्रॉम द एक्सटेंशन, थोड़ा सा ही मैं एंड थोड़ा सा ही पार्टीशन करके मैं इसको ले लूँगी क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू रून ऑल ऑफ द एक्सटेंशन। सो यहाँ पे मैंने छोटा सा इसका पार्ट लिया है, पार्टीशन लिया है और यहाँ मैं स्ट्रेटनर का यूज़ कर रही हूँ कर्ल करने के लिए। यू कैन यूज़ कर्लर बट आई डोंट हैव कर्लर सो मैं यहाँ पे स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम सिस्का। सो देखते हैं एंड यहाँ पर मैंने हाफ सेक्शन लिया है और मैं इसको इस तरीके से करूँगी, देन अपने स्ट्रेटनर को ऐसे ट्विस्ट कर लूँगी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई, 1% भी डैमेज नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छे एक्सटेंशंस हैं। एंड कर्ल तो बहुत अच्छे से हो गई बट अब देखते हैं कि वापस से ये स्ट्रेट होंगी कि नहीं होगी। सो अगेन मैं स्ट्रेटनर लेके बहुत अच्छी तरीके से हो गई और काफ़ी हीट है यार, मतलब मुझे पता नहीं था कि हेयर स्ट्रेटनर इतना ज़्यादा हीट अप होगा बट काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट हो गई अगेन। सो इसने हीट टेस्ट भी पास कर लिया है, सो आई अप्रूव दिस हेयर एक्सटेंशन, आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल बटन राइट नेक्स्ट टू इट एंड आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में व्हाट पार्ट ऑफ द वीडियो यू लाइक द मोस्ट। मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है जब मैंने उनको कर्ल करा था क्योंकि आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ इट फ्रॉम दीज एक्सटेंशन बिकॉज दीज आर फैब्रिक एक्सटेंशन, सो हीट से ये इजिली डैमेज हो सकती थी बट इन्होंने हीट को अच्छे से सर्वाइव करा विच इज़ लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ द परचेज। और 200 में अगर आप ये हेयर एक्सटेंशन परचेज़ कर रहे हैं तो इसमें ओनली कॉन्स आपको ये मिलेगा कि इनका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ईजिली हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान और मैनेज करके रखना पड़ेगा। अदर देन दैट मुझे इसमें कोई भी फॉल्स नज़र नहीं आई, सो आई डू रिकमेंड दीज एक्सटेंशंस। एंड अगर आप 200 में 3-4 इवेंट भी निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा इनफ है ये एक्सटेंशंस, मतलब बजट फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। एंड See you in my next video. Bye. Take care.